सो गाइज़ यहाँ पे देखिए, मैं कच्चे आम का यहाँ पे ये कुच्चा जो हम लोग में बोलते हैं वो बना रही हूँ। तो मैंने कच्चे आम को छील के वॉश करके कद्दूकस कर लिया है और इसमें हल्दी लगा के इसमें धूप लगाऊंगी। तो जैसे कि मैं घर में ही धूप लगाती हूँ खिड़की में, तो जितने भी खिड़की आती है तो दो दिन मेरे आम को ये कुच्चा को सूखने में लग गया था। तो अगर आपके कड़ाकेदार धूप है तो इसे एक दिन में ही सूख जाएगी अच्छे से, उसके पानी जितना भी एक्स्ट्रा है वो सूख जाएगी। और यहाँ पे मैं मसाला रोस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे धनिया को मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी और सौंफ, मेथी और सरसों, काली सरसों और हींग को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और सूखी मिर्च को भी, सूखी लाल मिर्च को रोस्ट करके और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, अच्छे से महीन पाउडर इसका बना लूँगी जार में। तो देखिए यहाँ पे भून चुकी है और इसका पाउडर भी बना लूँगी मैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए पाउडर बन गई है, अब इसमें हम मिक्स करेंगे कुच्चा में, आम के कुच्चे में। तो इसको मैं बड़े से गमले में ले रही हूँ कि मिक्स करने में मुझे आराम मिले। तो यहाँ पे मैंने अब सारे मसाले को जो ग्राइंड करके रखा था उसे ले लिया है और नमक डालेंगे। तो अभी मैं 4 चम्मच नमक डाली थी, तो बड़े 4 चम्मच नमक पहले डाल दूँगी और काश्मीरी मिर्च डालूँगी। तो तीखी मिर्च तो सूखी वाली डाली दी थी और ये वाली काश्मीरी मिर्च है कलर के लिए। तो ये लगभग 2 छोटी चम्मच के लगभग है। और इसे सरसों तेल 4 बड़ी चम्मच से सरसों तेल यहाँ पे मैं डाल दूँगी। तो ये कच्चा ही है, इसे गरम मैंने नहीं किया है, इसे ऐसे ही डाल के अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे कि मसाले पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए आम में। हमारे घर में आम का अचार से ज़्यादा ये वाले चीज़ कुच्चे को ज़्यादा खाया जाता है, पसंद किया जाता है। और इसमें हल्दी पाउडर पहले तो मिक्स की थी ना मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा अभी 1 टेबल स्पून लगभग यहाँ पर फिर से मिक्स करूँगी। अब इस बस ये हमारा रेडी हो गया और इसे जार में डाल दूँगी मैं। तो इसमें प्लास्टिक की जार में डाल रही हूँ, अगर आप लोगों के पास कांच की है तो वो और बेटर होती है। जार को पहले से धूप लगा ले। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल लिया है ऊपर से थोड़ा सा 1 टेबल स्पून लगभग सरसों तेल डाल दूँगी और इसे 2 से 3 दिन यहाँ पर ये लगा दूँगी, धूप लगा दूँगी और ये हमारा अचार कुच्चा बनके रेडी है। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज है पंचमी, नवरात्रि का पंचा। तो गाइस आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी एवरीडे हम लोग क्या इसी सेम पूजा पाठ का ब्लॉग दिखाए वो नहीं दिखा रहे थे, तो इसलिए हम लोग बहुत दिन बाद आज ब्लॉगिंग चालू किए हैं। तो आज कल है पीहू का बर्थडे, तो अभी पीहू के लिए वो ड्रेस वगैरह आया था, तो सोचा कि चलो आज से ही ब्लॉगिंग चालू करें क्योंकि 12 बजे भी केक कटिंग वगैरह होगा। तो इसीलिए तो क्या क्या ड्रेस आया है तो वो आप लोगों को तो दिखाना ज़रूरी है ना, तो वो दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये है पीहू का ड्रेस, ये है उसका हॉट पैंट। तो और बताइएगा भी आप लोगों को कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये इसका हॉट पैंट है लाइट ब्लू एंड ब्लैक एंड और टी शर्ट्स है एक एक करके मैं दिखाती हूँ। टी शर्ट है वाली तो हो गई है पिंगू की। तो एक का आए दूसरे
दूसरे का ना आए ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो दूसरे का भी आया है, दूसरे का दिखाती हूँ मैं। इसकी भी हॉट पैंट, खत्म हो गया था। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर मुझे नीचे बुला के हम लोग केक लेने गए थे। तो जो रात में 12 बजे केक कटिंग होगी पीहू की, तो उसके लिए हम लोग शॉपिंग करने गए केक की। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी वैरायटी है। तो अभी हम लोग के यहाँ पे जितने भी केक्स रहेंगे ना, तो सब वेजिटेरियन, नवरात्रि के टाइम में सब वेजिटेरियन रहेंगे। तो जितने भी केक्स हैं ना यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में, सारे वेजिटेरियन हैं। तो मैं पीहू को बोल रही थी कि पसंद करो जो भी केक पसंद आ रही है। तो इसको दो पसंद आई, एक ये रेनबो वाली और एक ये टू लेयर वाली। तो इसमें से अभी वो कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सा मुझे चाहिए। पापा का टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम यहाँ आई हो, यहाँ का टेंशन लो। क्या कौन सा चाहिए? सो गाइस 10:30 बज चुके हैं और यहाँ पे अभी खाना बन रहा है। तो देखिए क्या बन रहा है, रोटी और दही आलू की सब्जी। तो अभी ये हो रहा है, जल्दी से हम लोग खाना वगैरह खा के फिर पीहू का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और मुझे ठंड लग रही है। तो मिलते हैं अब 12 बजे, 12:30। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बाबू। बाबू बोलो हैप्पी बर्थडे। लिए हैं सब लोग, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ लिए, आपको एक बार में क्यों नहीं सुनाई देता? सब लिए हैं, बर्स्टिंग वाला भी, स्पार्कल वाला भी लिए और वो भी लिए। कौन सा लिए? आगे आओ, कहीं उधर जाओ। अनारस वाला यहाँ।
छोड़ दे इसको। हैप्पी बर्थडे डियर पीवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे इसको हटाओ यार। अरे माँ हम निकाल। खिलाओ ना, उठ जाओ थोड़ा सा। सो गाइज, आज का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, अब हम लोग जा रहे सोने। जोर से बोल, टू मी। मेरे से आप लोग भी खाइए, आप लोग भी खाए थे, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, कल का सेलिब्रेशन में। तो आज का वीडियो क्या करिएगा, बोल दो, ऐड कर दो। अच्छा है तो लाइक शेयर, क्या लगेगा लाइक, अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, अच्छा लगा कमेंट करके बोल, अच्छा लगा हैप्पी बर्थडे। तो पीहू को विश कर दीजिएगा सब।